वाकई इंसान का मन जो सच्चे दाता रहबर ने भजनों में शब्दों में लिखा है ऐसे ही हावी हुआ पड़ा है। हर इंसान पे मन का काबू है, मन के अधीन है, जैसा मन चाहता है और यहां चाहता है ले जाता है। इंसान बहक रहा है मन के हाथों मजबूर, अपने तमाम अच्छे कर्मों को जला रहा है, सारी भक्ति इबादत खानदानी को खत्म करता जा रहा है। आज मन हावी है, अच्छाई नेकी भलाई लुप्त होती जा रही है, जिनके अच्छे संस्कार हैं, सत्संग सुनते हैं और सदगुरु पीर फकीर की बात सुन के अमल करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम की जिन पे दया में रहमत है और उसको वो मानते हैं, वही मन से बचे हुए हैं। वरना मन शैतान इतने घोड़े दौड़ाता है कि आदमी को गुमराह करने में कोई कोर कमी नहीं छोड़ता। मन जालिम हमेशा इंसान को दुखी करता रहता है, भरमाता रहता है, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करने की योजनाएं और दुखी परेशान नरक जैसी जिंदगी में ले जाने के लिए वहां के सब्ज बाग दिखाना मन शुरू कर देता है। और मन के बिगड़े किसी के काबू में ही नहीं आते हैं, वो अपनी गलतियां नहीं सुधारते बल्कि दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं। जगह जगह जाके शोर मचाना, जगह जगह के सामने आके बात करे, कोई भी इंसान अगर कोई बात पूछना चाहता है अपने पीर फकीर से आके बात करे। जो ज्यादा शोर मचाया करते हैं वो सबसे ज्यादा गुनाहगार होते हैं, हमने ये निचोड़ निकाला है। वो मन के पापी होते हैं, माया के यार होते हैं, काम वासना क्रोध लोभ अहंकार मन माया सातों में किसी न किसी के बुरी तरह घायल होते हैं। वरना आदमी को शोर मचाने की क्या जरूरत है? अगर आप सुमरण करते हो, क्या किसके लिए करते हो? अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने परिवार के लिए। तो दुनिया को बताने में ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, लेकिन कई लोग फिर अपने पांव के हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बड़ा साबित बनाना शुरू कर देते हैं। यानी ये बात आ जाती है कि हम कुछ और बन गए, अब वो नहीं रह गए। और जब आप कुछ बन जाते हो तो फिर वो चला जाता है, सिर्फ आप ही रह जाते हो। इसलिए खुद ही अहंकार कभी ना करो। नाम दयाने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता दांतों की, अंदर बाहर माला माल माला माल, पर अहंकार ना आ जाए, खुद ही ना आ जाए, क्योंकि अहंकार खुद ही का सरदार मन है। और ये मन जब बुरे ख्याल देता है तो आदमी गुमराह होता चला जाता है। ना गुरु ना पीर ना फकीर ना मां ना बाप, कोई भी रिश्ता फिर ये मन रहने नहीं देता। एक टांग पे हो जाता है कि नहीं ये बुरा कर्म करना ही करना है, अब ये सही है ये सही है ये सही है, अंदर हथौड़े की तरह आवाज गूंजती रहती है। यानी जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनको सही साबित करता है मन, और आदमी को गुमराह करता चला जाता है करता चला जाता है। वो बाज नहीं आता, जगह जगह जाके उल्ट बोलना, जगह जगह जाके बुरा बोलना, यानी अपनी बेड़ी में छेद करना है। कोई बेड़ी कोई नाव पानी में जा रही है तो उसमें छोटे छोटे छेद भी उसको डुबोने का कारण बन सकते हैं। तो ऐसे जब लोग निंदा करते हैं तो वो तो बड़े बड़े छेद हैं, जा जाके दूसरों के पास अपना घर परिवार सबके लिए घातक होते हैं, और खुद की आत्मा के तो दुश्मन होते ही होते हैं। उन्हें तो सुख मिल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना चैन मिले ना करार, हर समय बेकरार रहते हैं। सो ऐसे लोग जो दूसरों को बुरा कहते हैं वो अपने अंदर निगाह नहीं मारते, अपने अंदर ध्यान नहीं देते कि भाई कितने गुना कितने पाप कर्म इंसान से हो जाते हैं, और वो दया का सागर रहमो करम का मालिक बिना हिसाब किताब लिए सारे पाप माफ कर देता है जब आदमी तौबा कर देता है। तो उस मालिक का शुक्राना करना तो दूर, आदमी उसी में कमियां निकालना शुरू कर देता है और फिर डूबता चला जाता है। सब कुछ बुला देता, किए गए परोपकार किए गए रहमो करम कहीं याद ही नहीं रहता, मैं ये मैं वो। हमने देखा कई आदमी मालिक का नाम लेके बड़े ठीक हो जाते हैं, हर तरह से शारीरिक तौर पे भी,
पहनना, खाना, पीना, रहना, सहना सब कुछ आ जाता है। ऐसे लोगों जिनको नाक पहुंचना नहीं आता था, एक कहावत है, उनको भी हमने देखा। पर राम नाम से ऐसा सुधार आया, ऐसे मैनर्स मिले कि वो आज मन के हाथों मजबूर हो जाएं, तो कितनी अजीबोगरीब बात है। सारे परोपकार बुला दिए, जिसने सिखाया, जिसने समझाया, जिसने बनाया, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो ऐसा लोग करते नजर आते हैं, तभी इन चीजों से बचा जा सकता है। अगर आप राम का नाम जपो, वचनों पे पक्के रहो, तभी मन के नकेल डल सकती है, आत्मा की आवाज बुलंद हो सकती है, और अंदर बाहर मालिक की खुशियों से आप माला माल हो सकते हैं।